हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, दिल्ली को दहलाने वाले दंगों पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ताहिर हुसैन ने दंगों में शामिल होने की बात कबूल की है। ये दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पे दावा किया गया। हालांकि चार्जशीट के डिस्क्लोजर में शामिल बयान में हस्ताक्षर नहीं है, यानी सिग्नेचर नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं वो कबूलनामा। दिल्ली दंगों की ये तस्वीर भले ही 5 महीने पुरानी है, लेकिन अब इसमें दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में शामिल इस बयान से बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि ताहिर हुसैन ने कबूल किया है कि वो हिंसा का एक बड़ा मास्टरमाइंड है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ताहिर हुसैन ने बताया है कि 2017 में पार्षद बनने के बाद से ही मेरे मन में था कि मैं राजनीति और पैसों की बदौलत हिंदुओं को सबक सिखा सकता हूं। मैंने खालिद सैफी उमर खालिद ने अपने जानकारों के साथ मिलकर दंगों की साजिश रची थी। मैंने अपने परिवार को दूसरी जगह शिफ्ट करा दिया था, खुद भी दूसरी जगह पर था और खालिद सैफी के कहने पर जानबूझकर पुलिस को बार बार फोन कर रहा था ताकि मुझ पर शक न जाए। धारा 370 हटने के बाद खालिद मेरे पास आया और बोला कि इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। इस बीच राम मंदिर का फैसला भी आ गया और CAA कानून भी आ गया। अब मुझे लगा कि पानी सिर से ऊपर जा चुका है, अब तो कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। खालिद सैफी ने कहा कि तुम्हारे पास राजनीतिक ताकत और पैसा दोनों है, जिसका इस्तेमाल हिंदुओं के खिलाफ और कौम के लिए करेंगे। 8 जनवरी को खालिद सैफी ने मुझे JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद से शाहीन बाग में PFI के दफ्तर में मिलवाया। उमर खालिद ने बोला कि वो मरने मारने को राजी है। वहीं खालिद सैफी ने कहा कि PFI का सदस्य दानिश हिंदुओं के खिलाफ जंग में फाइनेंशियल मदद देगा। PFI के दफ्तर में हमने प्लान बनाया कि दिल्ली में कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये सरकार हिल जाए, सरकार CAA विरोधी कानून को वापस ले ले। खालिद सैफी का काम लोगों को भड़का कर सड़कों पर उतारने का था। मुझे ज्यादा से ज्यादा कांच की बोतल, पेट्रोल, तेजाब और पत्थर इकट्ठा कर अपने घर की छत पर रखने का टास्क दिया गया था। खालिद सैफी ने अपने जानकारों की मदद से लोगों को सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया। खालिद ने अपनी दोस्त इशरत जहां के साथ मिलकर सबसे पहले शाहीन बाग की तर्ज पर खुरेजी में धरना प्रदर्शन शुरू करवाया। 4 फरवरी को अबू फजल एनक्लेव में मेरी खालिद सैफी से दंगों की प्लानिंग को लेकर मुलाकात हुई। उमर खालिद ने कहा कि पैसों की चिंता न करें, उसके लिए PFI, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, कई राजनीतिक लोग, वकील और अन्य मुस्लिम संगठन मदद कर रहे हैं। तय किया गया कि CAA विरोधी धरने पर बैठे लोगों को भड़का कर चक्का जाम कराया जाए। अगर पुलिस या दूसरे धर्म के लोग रोकेंगे तो हम अपने लोगों को भड़का कर दंगे शुरू करवा देंगे। खालिद सैफी ने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के वक्त ही कुछ बड़ा करना है ताकि सरकार घुटने टेक दे। मैंने अपनी तैयारी के बारे में बताया कि कबाड़ी से शराब और कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतलें लेकर छत पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। घर के पास चल रही कंस्ट्रक्शन साइट से पत्थर इकट्ठा कर छत पर रखवा रहा हूँ। अपनी चारों गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरकर ले आऊंगा ताकि बोतलों में भरकर बम की तरह वक्त आने पर इस्तेमाल किया जाए। दंगों में बम फिकवाने और पथराव के लिए मैं अपने मजदूरों को तैयार कर रहा हूं। उमर खालिद ने 17 फरवरी 2020 को ट्रंप के विजिट के दौरान लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की थी। मुझे तेजाब भी इकट्ठा करने को कहा गया था जिसे पुलिस पर फेंका जा सके। मैंने अपनी छत पर बहुत बड़ी तादाद में तेजाब, पेट्रोल, डीजल और पत्थरों को भी इकट्ठा कर लिया था। मैंने थाने में जमा अपनी पिस्टल भी दंगों में इस्तेमाल करने के लिए छुड़ा लिया था। 24 फरवरी को योजना के मुताबिक मैंने पहले से ही अपने घर की छत पर अरशद कयूम, मोनू, गुलफाम, शरद अहमद हाजी, लियाकत अली, उसके बेटे रिशाद अली, मोहम्मद रियान अरशद, मोहम्मद आबादी, मोहम्मद शादाब, राशिद सैफी और अपने भाई शाह आलम को बुला रखा था। 24 फरवरी 2020 को दिन में करीब 1:30 बजे हमने खूब पथराव और आगजनी करवाई। जानबूझकर मैंने अपने घर के बाहर और छत पर लगे CCTV के तार कटवा दिए थे ताकि कोई सबूत न रहे।